वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज़ के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज़ भी दी हैं एक्शन मूवीज़ भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज़ भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मतवार है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी रेटिंग की बात करें तो 5.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की लाइक किया गया जो है इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जाता है जब भी हम कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि यार ये मूवी हमें प्रोवाइड क्या करेगी एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी इजिली अवेलेबल है आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूँ तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं ईजीली जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्क करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासा नहीं पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें तो फाइव पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस को के की से यहां पर 69 तक लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है साथ साथ पर के के चीज के, के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जाता है जब भी हम कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में यार ये मूवी हमें प्रोवाइड क्या करेगी एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बड़े बात करें यहाँ पर कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है and एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूँ तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी 25 करोड़ का इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 45 करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश्च पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश्च पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मतवार का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मतवार है तो उसी के रिलेटेड uh, हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो के सुधा में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे के सारे यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी रेटिंग की बात करें तो 5.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक

के अंदर हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि यह मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है यह मैं बता देता हूं तो यह बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्क करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासर नहीं सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्याराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे के सारे यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें तो फाइव पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक

मूवी अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी सी और डिसेंट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को

तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी फाइव पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूं तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं

कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश्च पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश्च पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत वार का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत वार है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि यह मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है। आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है यह मैं बता देता हूं तो यह बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 45 करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्क करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाहर नहीं पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्याराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें तो 5.3 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो İş सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी सी और डिसेंट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को या नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम, वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर ये यह मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूँ तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं ईजीली जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कश करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे के सारी, सारी यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर यह मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है। आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है यह मैं बता देता हूं तो यह बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं well, वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्क करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्याराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें तो फाइव पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को

तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी फाइव पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूं तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश्च पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज़ भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज़ भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत वार का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हम्मतवार है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्क करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्याराज, राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे के सारे यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर ये यह मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है। आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूं तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 45 करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मतवार है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कश करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाह नहीं पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी रेटिंग की बात करें तो 5.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से यहां पर 69 तक लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है।, साथ साथ पर के के है, है इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जाता है जब भी हम कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि यार ये मूवी हमें प्रोवाइड क्या करेगी एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंगम टू सिंगम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है and अभी finally ये movie जो है वो कहाँ पर एंड किस language में available है especially ये YouTube पर available है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग discuss करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस video में मिलने वाले हैं तो video काफ़ी ज़्यादा interesting होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस video को last तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूँ तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी पर देख सकते हैं ईजीली जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं well, वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मतवार का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मतवार है तो उसी के रिलेटेड uh, हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो के सुधर में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे के सारे यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर ये यह मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है। आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूं तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हम्मतवार है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कश करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत प्यारी ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी रेटिंग की बात करें तो 5.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से यहां पर 69 तक लाइक किया गया जो कि काफी एक अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, और बात कर लेते हैं यहां पर इस के के चीज है के, है। के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जाता है जब भी हम कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि यार ये मूवी हमें प्रोवाइड क्या करेगी एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को

तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी फाइव पर देखने को मिल जाएगी इजीली अवेलेबल है आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूं तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश्च पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश्च पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्क करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की इस सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे के सारे यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी रेटिंग की बात करें तो फाइव पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्योरेन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को नई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर यह मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहां पर एंड किस लैंगे अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी इजिल अवेलेबल है। आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूं तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी 25 करोड़ का इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 45 करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश्च पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मतवार है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी रेटिंग की बात करें तो 5.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की लाइक किया गया जो है इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जाता है जब भी हम कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि यार ये मूवी हमें प्रोवाइड क्या करेगी एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है बस या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम तो ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी इजिली अवेलेबल है आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूँ तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं ईजीली जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्क करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी रेटिंग की बात करें तो 5.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को या नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर ये यह मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहां पर एंड किस लैंगेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है। आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है यह मैं बता देता हूं तो यह बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी 25 करोड़ का इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 45 करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं well, वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश्च पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसलिए वीडियो के बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सबसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्याराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी रेटिंग की बात करें तो 5.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की लाइक किया गया जो है इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जाता है जब भी हम कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि यार ये मूवी हमें प्रोवाइड क्या करेगी एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को

तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी इज़िली अवेलेबल है आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूँ तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं ईजीली जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे हैं। वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं, कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश्च पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो

पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्याराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें तो फाइव पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी सी और डिसेंट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर ये यह मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहां पर एंड किस लैंगेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है। आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है यह मैं बता देता हूं तो यह बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी 25 करोड़ का इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया 45 करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश्च पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश्च पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कश करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे के सारी, सारी यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी रेटिंग की बात करें तो 5.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज एवरेजी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज ही और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है and अभी finally ये movie जो है वो कहां पर है किस language में available है especially ये YouTube पर available है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग discuss करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस video में मिलने वाले हैं तो video काफी ज्यादा interesting होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस video को last तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी इजिली अवेलेबल है आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूँ तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं ईजीली जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहाँ पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्क करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाहर आसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्याराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें तो 5.3 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को के यूजर्स की से यहां पर 69 तक लाइक किया गया साथ साथ के के चीज के, के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जाता है जब भी हम कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला आता है वो यही होता है यार ये मूवी हमें प्रोवाइड क्या करेगी एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्योरेन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को

तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी फाइव पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूं तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मतवार का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मतवार है तो उसी के रिलेटेड uh, हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो के में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे के सारी, सारी यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर यह मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी पर देखने को मिल जाएगी ईजिली अवेलेबल है। आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है यह मैं बता देता हूं तो यह बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते हैं वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक टिके हुए हैं हाँ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं कुछ साइंस फिक्शन देते हैं कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्क करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्याराज राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें तो फाइव पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंगम टू सिंगम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है

लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूँ तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी पर देख सकते हैं

कुछ होते हैं जो कि जनरल पर चलते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक निश्च पर चलते हैं लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं जो कि जनरल निश्च पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज़ के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हिम्मत है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कश करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहां पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे के सारे यहाँ पर आई एम डी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो फाइव आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है बस या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को यन्नाई देखने को मिलेगी पुजाई रत्नम वेंगाई वेल अरुल ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई है किस लैंग्वेज में बनाई गई है

लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूँ तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया एंड अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं इजिली जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे साउथ इंडस्ट्रीज well, तो के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो अभी तक टिके हुए हैं।, आ, बहुत सारी अच्छी दी हैं कुछ होते हैं कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक लेकिन ये एक्टर ऐसे हैं। जो कि जनरल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इन्होंने रोमांटिक मूवीज भी दी हैं एक्शन मूवीज भी दी हैं उसी के साथ आप लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज भी इनकी काफी सारी देखने को मिलती हैं जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी विशाल के बारे में जो कि तमिल इंडस्ट्रीज के एक जाने माने अदाकार है मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इनकी मूवी आई थी जी आप लोगों के सामने साल 2014 में एक मूवी आई थी पुजाई नेम से जिसे जब हिंदी में डब किया गया तो इस मूवी को जो है वो हिम्मत का नाम दिया गया तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली उसी मूवी पर है जिसका नेम हम्मतवार है तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कश करेंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस मूवी को लेकर तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के साथ आप लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा तो इसीलिए वीडियो सूरत में आप लोगों के सामने हाजिर हूं एंड यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिम्मतवार मूवी के बारे में जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन थे कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी मूवी हिम्मतवार के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बट यहाँ पर आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे श्रुति हसन देखने को मिल जाएंगे सत्या राधिका मुकेश तिवारी और सूरी जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफी अच्छे तरीके से यहां पर निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारे की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें तो फाइव पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया

के अंदर हमें इसमें बेसिकली देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से एक्शन के साथ आप लोगों को ड्रामा प्लस रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन में कौन देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक मूवी के लिए अगर कोई भी मूवी हो उसके लिए अगर डायरेक्शन अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो तो वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो संभाला है जी हरी ने जिन्होंने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक सिंघम सिंघम टू सिंघम थ्री सामी सामी स्क्वायर उसी के साथ साथ आप लोगों को

तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को जी फाइव पर देखने को मिल जाएगी ईजीली अवेलेबल है आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं लेकिन किस लैंग्वेज में है ये मैं बता देता हूं तो ये बेसिकली तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है अभी आप लोग इसे हिंदी में ही जाकर जी फाइव पर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर जी फाइव पर हिम्मतवार सर्च कीजिएगा वहां पर आप लोगों को ये मूवी मिल जाएगी आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं इस मूवी का बजट था जी पच्चीस करोड़ का मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया पैंतालीस करोड़ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस बना से भी आप लोग इसे एक चांस दे सकते